وكان أشد من ذلك كله أن رجلا حملني إلى شيء مدور من الحجر فيه ثقب وكنت أسمع له صوتا شديدا كريها وجعجعة فألقاني فيه فطحنني طحنا هل تعرف اسمه يا سيدي ذلك هو الطاحون أو الرحى. इस तरह इबारत पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार पढ़िए तभी आपको फायदा होगा। वकान मिन अशद ज़ालिका कुल्लिही, और इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा सख्त बात ये थी, काना थी, अशद सबसे ज़्यादा सख्त बात, मिन ज़ालिका कुल्ली इन सब चीज़ों से क्या थी, अन्न रजुलन के एक आदमी ने, हमलनी मुझे उठाया, हमला उठाया, ठीक है, हमला से इसमें फ़ाइल हामिलुन और इसका मुअन्नस हामिलतुन, हामिला बोलते हैं, हामला औरत मतलब वो बच्चे को उठाए हुए होती है, तो हामिला को हामिला इसीलिए कहा जाता है कि बेशक एक आदमी ने मुझे उठाया, इला शई इन मुदव्वरिन, उठाया मतलब मुझे ले गया, ठीक है, इला शई इन एक चीज़ की जानिब, शई उन चीज़ एक चीज़ की जानिब ले गया, वो चीज़ कैसी थी, मुदव्वर गोल गोल, मुदव्वर बोलते गोल को, शई उन मुदव्वर एक गोल गोल चीज़ की जानिब ले गया, मिनल हजरी पत्थर की, पत्थर की कोई गोल गोल चीज़ थी, नाम तो नहीं बता रहे हैं वो अभी, बल्कि बता रहे हैं कि पत्थर की कोई गोल गोल चीज़ थी, वहाँ ले गया, फ़ी ही सकबुन, फ़ी ही यानी फ़ी ज़ालिक शई, उस चीज़ के अंदर क्या था, सकबुन एक छेद था, सकबुन बोलते सुराख को, छेद को, उसमें एक छेद था, वकुंतु अस्मा लहू सौतन शदीदन करीहन, और मैं सुनता था, उस कुंतु अस्माउ सुनता था, लहू उसकी, सौतन शदीदन करीहन, करी बोलते नापसंदीदा, करी फ़ाइल का वजन है जो है मफ़ूल के मायने में, मकरूहन के मायने में, ठीक है, इसमें मफ़ूल के मायने में आता है, फ़ाइल का वजन फ़ाइल के मायने में भी आता है, ठीक है, जैसे करीम, तो नापसंदीदा को बोलते हैं करी मकरूह, कि बहुत मकरूह सख्त नापसंदीदा आवाज़ में उसकी सुनता था, वजा जातन, और ये जा जा क्या है, रुबाई मुजर्रद है, जा जा यु जा जी जा जातन, रुबाई मुजर्रद मतलब चारों हर्फ क्या है इसमें, असली हैं, वरना चार हर्फ का अगर कोई फेल होता है तो उसके अंदर एक हर्फ क्या होता है, ज़रूर एक्स्ट्रा होता है, लेकिन जा जा में कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं है, रुबाई मुजर्रद है ये, ठीक है, रुबाई है और मुजर्रद है, तो मैं सुन जा, तो जा जातन के मायने आते हैं घड़घड़ाहट की आवाज़, घड़घड़ाहट मतलब जो आवाज़ आती है ना, दो पत्थरों के बीच में अगर कोई चीज़ रखी जाए और उसको उसमें से जो आवाज़ निकलती है उसको बोलते हैं जा जा, घड़घड़ाना, घड़घड़ाहट की आवाज़, तो और यानी सिर्फ आवाज़ कर लीजिए, अगर आपको ये अजीब लग रहा है घड़घड़ाहट की आवाज़, तो खाली आवाज़ कर लीजिए, तर्जमा किसी चीज़ के टकराने की आवाज़, आपस में टकराने की आवाज़ गोया, तो मैं सुनता था एक नापसंदीदा सख्त तरीन आवाज़ और एक जो है घड़घड़ाहट की आवाज़, आपस में टकराने की आवाज़ सुनता था, फ़अलकानी अलका उसने डाल दिया, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, नी ज़मीर मफ़ूल की, तो उसने मुझे डाल दिया, फ़ी ही उसमें, किस में डाल दिया, उस चीज़ के अंदर डाल दिया, फ़तहननी तहनन, तहन यतहनु पीसने को बोलते हैं, फ़तहना तो उसने पीस दिया, नी ज़मीर मफ़ूल की मुझे, तो उसने मुझे पीस दिया, तहनन खूब पीस दिया, तहनन क्या बन रहा है, मफ़ूल मुतलक बन रहा है, यानी पीछे जो फ़ेल है उसी का मस्दर को अगर आप रिपीट कर देंगे तो एकदम किस चीज़ का तर्जमा हो जाएगा, खूब का तर्जमा, उसने मुझे खूब पीसा, हल तारिफ़ उस्महू या सैदी, क्या तुम उसका नाम जानते हो, जनाब ए जनाब क्या तुम उसका नाम जानते हो, उसका नाम मालूम है, ज़ालिका हुवा ताहून अविर रहा, कि वो क्या है, वो चक्की है, ताहून चक्की को बोलते हैं, औ या अर रहा या फिर चक्की, ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि या तो ताहून कह लीजिए, ताहून अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रहा से समझ लीजिए, क्योंकि रहा के मायने भी चक्की के आते हैं, ताहून के मायने भी चक्की के आते हैं, लेकिन ताहून मुजक्कर इस्तेमाल होता है और अर रहा मुअन्नस इस्तेमाल होता है, ये यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है, तो चाहे ताहून कह लीजिए चाहे रहा कह लीजिए कि वो क्या है, चक्की है, वो चक्की की बात चल रही है कि वो गोल गोल चीज़ थी पत्थर की, उसमें छेद था, उसमें से आवाज़ हो रही थी, ठीक है, तो आज बस इतना इंशाल्लाह, इतना ही रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।